और आई थिंक बाजार ने देखिए एक स्मार्ट रिकवरी ली है लोअर लेवल से। आप एक बार प्लीज पीएसयू बास्केट दिखाइए, प्लीज पीएसयू बास्केट दिखाइए। पोस्ट पॉलिसी निफ्टी संभला है, 8700 को रिगेन किया है, अब हार्डली 10 पॉइंट नीचे है। अगर आप निफ्टी बैंक को देखिए, एसबीआई याद रखिए, एसबीआई 237 के स्तर पे इस वक्त CY16 के नए हाई पे खड़ा है, 2016 के नए हाई पे एसबीआई खड़ा है। बीओबी, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक। ऋषि, आई थिंक आपने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, हर जवाब को सुना, आई थिंक सबसे बड़ी आपको आई थिंक ये लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, क्या उपलब्धि नजर आई आई थिंक, और जिसपे बाजार का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी है? देखिए वही जो इनके थोड़े से पॉजिटिव साइंस यही थे कि ऑलरेडी प्रोसेसेस जो सेट थे दे आर टेकिंग एन इफेक्ट, बैंक्स आर रिकग्नाइजिंग द प्रॉब्लम और उस पर अब वो खुद काम कर रहे हैं, इतनी सुपरविजन का उनको ज़रूरत नहीं है। रेट्स की जहाँ तक बात है वो उनके हिसाब से अभी ठीक है, अकोमोडेटिव पॉलिसी है। ओवरऑल उन्होंने जो पिक्चर दी वो एक पॉजिटिव पिक्चर दी है कि आने वाले टाइम में जो भी दिक्कतें हैं उनके लिए इनके पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस हैं और केटर किया हुआ है उन्होंने जो भी इश्यूज आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो इशू जो था बैंक्स बैलेंस शीट्स का, वो ऑलरेडी प्रोसेस में है क्लीनिंग अप के, और अगले 1 से 2 साल में सिचुएशन बहुत बेटर होगी। इस बीच अगर आप देखें सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स डे हाई पर, एक एक करके सारे चार्ट दिखा दीजिए प्लीज। अगर आप देखें यूको बैंक, ओबीसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर देखें CY16 के नए हाई पे। चोखा, आपने स्पीच सुनी, पॉलिसी को समझा, आई थिंक ये एक ऑलमोस्ट जो प्रेशर जोन बना हुआ था ना निफ्टी बैंक पर, पीएसयू बैंक्स पर, वो आई थिंक छटता हुआ नजर आ रहा है, वो प्रेशर कम हो रहा है। और ये जो प्राइस बिहेवियर है इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा पोस्ट पॉलिसी, चोखा। Definitely, my reading of this event is that now market is hoping that new governor would recognize the problem of PSU banks and he will be more accommodative. So that is why the confidence is gaining on the account of exit of the present governor. That is the reason for the PSU banks to rally and I believe firmly the rally would continue. When the government announces new governor. जी मिस्टर मूर्ति नागराजन भी हमारे साथ मौजूद है, हेड फिक्स इनकम क्वांटम एएमसी के। मिस्टर नागराजन, एक चीज़ जो अहम है कि बैंक्स रेट पास ऑन नहीं कर रहे, पहले ये वजह थी कि जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से नहीं कर पा रहे, और अब दूसरा जो वजह दी जा रही है वो 7th Pay Commission का इम्प्लीमेंटेशन है। इन दोनों बातों को यहाँ पर साफ किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो एक्चुअली बैंक का जो प्रॉब्लम है बिकॉज एनपीएस इतना ज़्यादा है करके दे आर नॉट एबल टू पास ऑन, सो दे आर रिकवरिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स हुआ डूइंग वेल, तो उनसे वो पैसे ले रहे हैं, तो बिकॉज उनका कैपेसिटी नहीं है एंड कंटिन्यूस राइट ऑफ करना पड़ रहा है, तो दे हैव टू रिकवर फ्रॉम देयर, सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट ब्रिंगिंग डाउन द रेट्स। लेकिन चोखा एग्जैक्टली इस कॉन्फ्रेंस में हमें तो ऐसे चलता रहेगा जब तक उनको कैपिटल इंटरेस्ट। ओके ओके, प्लीज बात पूरी करिए अपनी सर, मिस्टर नागराजन प्लीज। या एक्चुअली या व्हाट हैपेंस इज दैट वंस जब तक इनको कैपिटल नहीं मिलेगा तब तक दे विल बी लाइक दिस ओनली, सो दे विल नॉट गो जीसे के लेंगे और दे विल नॉट रिड्यूस द रेट्स। जी चुका, एक एक अहम चीज़ और भी है कि ये जो भी अब तक की बुक्स देखें अगर आप बैंक्स की, तो बैंक्स के जो बुक्स में एनपीएस काफ़ी ज़्यादा था लेकिन इस क्वार्टर के नंबर्स में स्लिपेजेस इतने ज़्यादा बढ़ के नहीं आए हैं, पहली चीज़। दूसरा, अभी गवर्नर ने भी साफ कर दिया है कि जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा अच्छा है कि उसको एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाए, और बैंक्स ने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। इन दोनों चीज़ को अगर कोरिलेट करें, आपको लगता है गोइंग फॉरवर्ड स्लिपेजेस सिचुएशन और ईज आउट होगी और एनपीएस जो 10-10.5% तक पहुँच गए कई बैंकों के वो वापस नीचे आएंगे और वापस 4-5% की रेंज में आ जाएंगे? Well, certainly, I mean, these are all problem of past. I mean, you had a 9% growth in 2004-2007 and people have gone overboard in borrowing and expanding the capex. So we are now paying for it. The objective was good, but, the forced recognition has led to, huge losses, loss of capital adequacy. Now look at one particular point which is not highlighted in the whole debate. That is the PSU banks deposit growth and credit growth. For the last 2 quarters, for many PSU banks, that the credit growth is negative. Even for some, deposit growth is negative. So by forcing them, what you have done is, you have helped only the private banks to grow faster. There is a lot of confidence, a loss of confidence in the PSU banks. A lot of depositors started shifting away from the PSU banks. So that is my point. Second. The entire world was going through deflationary pressures. As the governor mentioned,
you know, the number of countries joining the negative yield has increased. And that is a sign of global deflationary pressures. So had we cut down the rate about a year back itself significantly, you know, we could have improved our industrial economy. The corporate earnings would have improved. So these are the, my two concerns. Otherwise, definitely I give credit to the governor for, you know, stabilizing the rupee in 2013-14 and also accumulating incremental $88 billion in the forex reserves, which will definitely become handy for repaying this FCNR deficit. But otherwise, other two areas, there's a problem. Okay. Chuka, lekin main, I think, jo aapka jawab sun raha tha, bada wajib jawab tha. Aapne kaha ki, aapne business karne ka mauka private banko ko badha diya hai. और शायद सतर्कता के चलते अगर आप देखें जो पीएसयू बैंक्स हैं ना, उनका क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है ना, उनके डिपॉजिट बढ़ रहे हैं. यहाँ से अगर मुझे स्टॉक्स पिक करने हो तो मैं इस आधार पे पिक करूँ कि भाई FY17 का सेकंड हाफ या फिर FY18 किसको बिलोंग करेगा अर्निंग्स के लिहाज से, मैं उस लिहाज से स्टॉक पिक करूँ, या फिर मैं इस चीज़ को देखते हुए स्टॉक्स पिक करूँ कि ठीक है पीएसयू बैंक बास्केट अब तक बहुत दिक्कत में रही, Q3 से Q4, Q4 से Q1 तक रिकवरी रही, एसेट्स क्वालिटी के सुधार को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या फिर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को आपको ज़्यादा वेटेज देनी पड़ेगी? Asset quality ko importance dena chahiye. So you have to see in relative terms. You know, there are some banks which have got 9-10% net NPA. So choose the banks which have got 3-4% net NPA. You know, you have banks like State Bank of Travancore, you know, you have a Jammu Kashmir Bank. You know, relatively they have got a lower net NPA and also price to adjusted book value is much cheaper compared to the peers. So I believe these are the kind of yardstick one should use and choose the bank. I am sure in the next 12 to 18 months, one can create solid wealth from the PSU banks. जी, इस बीच अलर्ट आपको और बताते हैं. हीरो मोटोकॉर्प के संदर्भ में अलर्ट आ रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड ने पवन मुंजाल को बतौर चेयरमैन, MD और साथ साथ CEO नियुक्त किया है. दोबारा ये नियुक्त किया गया है और 5 सालों के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है. और सबसे अहम चीज़ कि 1 अक्टूबर से सभी जो भी चेंजेस हैं ये लागू होंगे. पवन मुंजाल दोबारा कंपनी के CMD और CEO नियुक्त हुए हैं. 5 सालों के लिए नियुक्ति है और 1 अक्टूबर से ये प्रभावी है. तो ये एक अपडेट हीरो मोटोकॉर्प से जुड़ा हुआ आ रहा, 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है. एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आपसे चोखा कि रघुराम राजन ने कहा कि उन्होंने अपना हर पल जो उन्होंने बिताया बतौर RBI गवर्नर उन्होंने इन्जॉय किया और उन्होंने एक एक डिफरेंस क्रिएट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्या आपने वो पीरियड इन्जॉय किया मार्केट्स में रह के? You know, it was a very painful, as I mentioned. He has done a very good job on the currency front, but market may, you know, you look at even after the recovery, a lot of PSU banks have lost their market cap. The kind of notional loss for LIC, the government, the public shareholder, and also the loss of business. Forget the stock market. For government and RBI, stock market may not be a priority. But forget the business. See the business also. There has been a lot of stress in the business. You know, some of the big, large bank, they are growing the credit at 2-3%. Even the deposits are to 2-3% when the industry is growing at 9-10%. And when private sector banks are growing at 25-30%. So this could have been avoided. So according to me, it was not enjoyable. The first phase was enjoyable. 2013 September, say, middle of 14, but after that it was certainly not enjoyable when you speak in terms of economic parameters. Okay, chuka. Baba shukriya aap is charcha mein shamil hue. Post policy apne comments diya aapne. Is beech agar aap dekhe Nifty ke 23 ank niche 8687 ke star pe hai. Devin Choksi MD ki Choksi Securities ke saath hamare saath jude hain. Devin ji namaskar, karyakram mein swagat hai. Sir, aapne policy ko suna. I think sabse striking element, I mean the rates to more or less stable rahenge. ये बात सब जानते थे, आप जानते थे, पैनल जानता था, लेकिन सबसे स्ट्राइकिंग एलिमेंट इस पॉलिसी का आपको क्या लगा और उससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर आप उससे ज़्यादा निराश हुए? आई थिंक दो या तीन चीज के ऊपर एक कंफर्ट लेवल ज़्यादा बैठता है कि एक तो सबसे पहले आई थिंक दे हैव स्पेल्ड आउट दैट नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू वुड बी डन बाय द पॉलिसी कमिटी, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, कि जिसके अंदर दी RBI विल हैव द रिप्रेजेंटेशन एंड द गवर्नमेंट नॉमिनीज ऑल्सो वुड बी देयर इन द रिप्रेजेंटेशन. तो इससे एक एक कॉन्फिडेंस ऐसा बनता है कि आगे के समय के अंदर पॉलिसी रिव्यू जब भी होंगे तभी ज़्यादातर आई थिंक एक कंसोलिडेटेड व्यू बना रहेगा, एक आई थिंक कोऑर्डिनेटेड व्यू बना रहेगा इन द पॉलिसी रीजन. सो दैट विल गिव मोर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस. सेकेंड थिंग, RBI ने जब बताया कि हम लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर सिस्टमेटिकली इन्फ्यूज करते रहेंगे, सो विच इज अगेन आई थिंक सजेस्टिंग दैट द RBI इज वेरी अलर्ट एंड प्रोएक्टिव इन एंश्योरिंग दैट आई थिंक द इकोनॉमी के अंदर जो ईज ऑफ मनी सप्लाई होना चाहिए बिकॉज ऑफ विच आई थिंक द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन कम डाउन, तो RBI इज वेरी फोकस ऑन दैट आस्पेक्ट.
तो ये दो चीज के ऊपर आई थिंक आई एम रिलेटिवली मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑफ कोर्स आई थिंक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रोबेबली आई थिंक ड्रिवन अंडर द फैक्टर्स इंक्लूडिंग आई थिंक द लोअरिंग ऑफ द इन्फ्लेशन बेटर मानसून एंड हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी सो अल्टीमेटली आई थिंक द डायरेक्शन जो पॉलिसी का रहा है वो पॉलिसी का डायरेक्शन रहा है कि आई थिंक जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर फंडामेंटल फैक्टर इंप्रूव होते हैं आरबीआई इज प्रोएक्टिवली वर्किंग इन ब्रिंगिंग डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एक डायरेक्शन अच्छा रहा है ये पॉलिसी के अंदर जी देवेन एक और चीज़ जो क्रूशियल कही गई है वो है पास ऑन को लेकर इंटरेस्ट रेट पास ऑन नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ एफसीएनआर प्रेशर अब जो बैंक्स एक रीज़न दे रहे हैं इज इट अ लेम एक्सक्यूज और डू यू थिंक कि एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी है कि बैंकों के फिलहाल क्रेडिट ऑफ टेक उतना नहीं है इनपी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि जिसकी वजह से वो पास ऑन नहीं कर पा रहे या आपको लगता है खाली लेम एक्सक्यूज़ है बैंकों की तरफ से मे बी आई थिंक एक या दो चीज़ के ऊपर आई थिंक ध्यान ज़्यादा देना बनता है जो दोज थिंग्स विच आर नॉट बींग स्पेल्ट आउट वन ऑफ द थिंग इज दैट आई थिंक बैंक्स आर एक्चुअली स्केर्ड टू लैंड मनी बिकॉज आई थिंक जो बड़े प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे लैंड करने हैं वहाँ पे आई थिंक कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट पोजिशन जितनी व्यवस्थित होनी चाहिए उतनी नहीं होती तो बैंक्स आर एक्चुअली स्केर्ड क्योंकि ऑन द अदर साइड दे हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिलेटेड प्रॉब्लम विच इज़ कंटिन्यूइंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक जो क्रेडिट ऑफ टेक जो बल्क क्रेडिट ऑफ टेक की हम बात करते हैं जो इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट ऑफ टेक की हम जो बात करते हैं वो क्रेडिट ऑफ टेक जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है वो बात के अंदर दो राय नहीं है तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक यू माइट प्रॉब्ली सी अ सिचुएशन ऑफ आई थिंक अ लोअर क्रेडिट ऑफ टेक इन द रिलक्टेंस ऑफ द बैंक इन अ गिवन सिचुएशन टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी इन अ क्विक सक्सेशन बिकॉज इवन बैंक्स वुड रिक्वायर टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम एफ सी एन आर रीजन दैट दे हैव सेड इज ऑल्सो टू बेसिकली लैंड टू क्वालिटी बायर्स एंड दैट इज वेयर आई थिंक दे वुड लाइक टू ब्रिंग डाउन द रेट सो आई थिंक दिस इज अ कैच 22 सिचुएशन वंस इकोनॉमी स्टार्ट इम्प्रूविंग मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक क्वालिटी बायर्स विल कम फॉरवर्ड एंड बैंक वुड बी इन अ मच बेटर सिचुएशन टू ब्रिंग डाउन द रेट्स देयर आफ्टर लेकिन देवेन इस बीच अगर देखें बाजार एक बार फिर से डे लो की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें करीब 18,916 के स्तर पे है लेकिन देवेन आप ये देखिए Q3 से लेकर Q1 तक आते हैं जस्ट पूरी इंस्टेंस ऑफ SBI वर्सेस द लो ऑफ 145 ये स्टॉक कोट करा है 2000 प्रश्न को पूछूंगा लेकिन इस बीच अगर आप देखें निफ्टी करीब 8680 के